आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें मेजबान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वाहगा पार से बरसों बाद आने वाले मेहमान वजीर खारजा जयशंकर की पर। और इसमें एक और अहम बात है, हमने जो जो मीटिंग के दौरान कहा जाता है की जयशंकर की कहने पे सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह किया गया कि साथ साहब को बिठाया गया। ये सीटिंग अरेंजमेंट एक डिलिबरेट मूव थी, पूरा प्लान किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इसहाक डार को बैठना चाहिए, इसको पूरा प्लान किया गया था। क्रिकेट पे बात हुई है तो मेरा ख्याल उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है कि ये दो तरफा तालुकात में जो कहा जा रहा था कि कोई बात नहीं होगी। जो गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ है कि अब ये इस मुलाकात के नतीजे में हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी। लेकिन इंडिया ने इस पर क्या कहा है, उन्होंने कहा है नो डिस्कशंस वर हेल्ड रिगार्डिंग द रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल क्रिकेट टाइज। इंडिया कह रहा है कि ये जो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये जो रूमर्स चल रही हैं और ये जो ट्वीट्स की जा रही हैं या जो भी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर मैं समझता हूँ बेहतरी आई है कि 10 साल बाद भारत का कोई वजीर खारजा यहाँ पे आया, लंच पे और लॉबीज में जो विजुअल्स आए तो उसमें एक बड़े स्माइलिंग फेसेस थे, हल्की फुल्की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेख हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ, तो बातचीत हो गई, इट्स अ गुड बिगिनिंग मेरा ख्याल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एशिया मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को लंच के दौरान दोनों एक साथ इकट्ठे बैठने पर काफ़ी प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें एक तो पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर साहब इसहाक डार के बगल में बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर डॉक्टर जयशंकर साहब रिक्वेस्ट भी करेंगे तो डिप्टी PM के पास बैठने के लिए क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, या तो वो प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठने की रिक्वेस्ट करेंगे या फिर पाकिस्तान का विदेश मंत्री है उसके बगल में बैठने की बात करेंगे। दूसरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया फैला रहा है कि दोनों के बीच में बात हुई उस बैठक में लंच के टाइम पे, जिसके अंदर दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलाने की बात हुई, यानी दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात हुई, जिसके लिए दोनों के बीच यानी डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच क्रिकेट के जरिए इस मामले को शुरुआत करने की बात हुई, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इसलिए अब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली है उसमें भारत की टीम पाकिस्तान खेलने जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की तरफ से रिपोर्टेडली यह कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है दोनों के बीच जिसमें भारतीय टीम को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने भेजा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है पाकिस्तान में। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब, उन्होंने इस मौके पर कहा कि हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का इतराफ भी किया, इस हवाले से ट्वीट भी किया, कहा पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और फराख दिली पर मशहूर हैं। कैसे देख रहे हैं इस इवेंट को एज अ होल, क्योंकि अभी हम चाहेंगे कि इसको मजमूई तौर पर देखें। हमने सबसे अहम बात ये थी कि ये अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा इवेंट है, इतनी बड़ी समिट है, ये पीसफुल तरीके से हो जाए। हम सबको ये धचका था कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मौके पे दुश्मन तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी के हवाले से बातें की जाए। और ख़ास तौर पे आपने देखा क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे, इस सबको देखते हुए तो पहले तो मेरा ख्याल है ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़े पीसफुल तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो अरेंजमेंट किए गए, बहुत अच्छा हुआ ये। तो ये सारे पराये को देखते हुए एक तो एक कॉन्फ्रेंस का होना, फिर इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर होना, और जो आपने देखा कि एंड इस लम्हे भी हमना रशिया अपना अमेरिका जापान और वेस्ट की तरफ से नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज अपने लोगों को दी गई इन्वेस्टर को कि पाकिस्तान ना जाएं। देखें इस सब कुछ होने के बावजूद जिस कॉन्फ्रेंस का होना, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमने दहशतगर्दी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं उस पर हमने कैसे काबू पाना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम मार खाते हुए जुल्म सहते हुए अफगानिस्तान के हाथों से, हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर कह रहा है कि जी अफगानिस्तान की मदद की जाए, उनके हालात ख़राब हैं, लोगों को जाना चाहिए, वहाँ पर हालात ठीक होने चाहिए। और अच्छी बात है हम ना जिस तरीके से जयशंकर ने इस पर गुफ्तगू की, आमतौर पर तो हम देखते हैं, मैं देख रहा था तकरीब में जो चीज़ें आती हैं हर इंटरनेशनल फोरम पे, वो कहते हैं एपिसेंटर जो है ना दहशतगर्दी का पाकिस्तान, इस दफा वो बातें नहीं कही। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंतहा पसंदी की बातें की, दहशतगर्दी की बातें की। और इसमें एक और अहम बात है, हमने जो मीटिंग के दौरान कहा जाता है कि जयशंकर की कहने पे सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह किया गया कि साथ साहब को बिठाया गया, क्रिकेट पे बात हुई है और वो कुछ थोड़े से प्लेजेंटरीज एक्सचेंज हुई है,
तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा है कि एक दो तरफा तल्लुकात में जो कहा जा रहा था कि कोई बात नहीं होगी। मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें शेक हैंड भी नहीं किया गया था बिलावल भुट्टो। बिल्कुल, जयशंकर ने शेक हैंड भी नहीं किया था। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी और इस रीजन के हवाले से भी ग्रेटर कोऑपरेशन की जो बात की गई है, इससे पहले तो किसी भी मौजू के ऊपर बात करने के लिए उनका कोई वजीर आने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, यानी क्रिकेट पे पाबंदी, हॉकी पे पाबंदी, ब्लाइंड खेलने जाते हैं उसको देखते हो तो मुझे तो जाती तौर पर लगता है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर का आ जाना भी बड़ी बात है और कम अज कम अब हिंदुस्तान दबाव में रहेगा। अब सपाट सत्ता पे हिंदुस्तान दबाव में होगा। डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के बीच जो मीटिंग हुई उस पर इस वक्त मेरे सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि क्रिकेट के बारे में, जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट पर भी बात हुई है, लेकिन इंडिया ने इस पर क्या कहा है, क्योंकि ये भी पब्लिश हो चुका है, ये ब्रेकिंग न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार के दरमियान लंच के दौरान गुफ्तगू हुई, जो डिस्कशन हुई है और जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है, ये सिटिंग अरेंजमेंट एक डिलिबरेट मूव थी, पूरा प्लान किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि डॉक्टर जयशंकर के साथ इसहाक डार को बैठना चाहिए और उसकी वजह आप जानते हैं, ताकि इसहाक डार डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठें और कुछ बातचीत करें। बायलैटरल मीटिंग ना हो तब भी मीटिंग हो जाए और बातचीत हो जाए, इसका इंतजाम पाकिस्तान की तरफ से कर लिया गया था। और इसके ऊपर जो रिपोर्ट हो रहा है, और मैंने देखा कि जियो में जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें जियो में एजाज सैयद ने यह रिपोर्ट किया है कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसकी तरफ से ये तय किया गया था, ये प्लान किया गया था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट हो वो ऐसा हो कि जिसमें इसहाक डार की जो चेयर है वो डॉक्टर जयशंकर के साथ रहे, इसको पूरा प्लान किया गया था और फिर बातचीत हो सके। और देखें, ये जो प्लान था ये बड़ा ही कामयाब रहा है, इसकी वजह यह है कि ये मीटिंग हुई है। बहुत ही शॉर्ट क्लिप में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर और इसहाक डार एक खुशगवार मूड में, यानी कि मुस्कुराते हुए और एक अच्छे मूड में, जिस तरह आप चिट चैट करते हैं उस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान ने बड़े ही अच्छे से प्लान करके बड़े इस मौके से फायदा उठाया। और जो बंदा चाहता है, वो कहते हैं ना कि कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास चल के जाता है। तो देखिए, वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आप जो है वो कशकोल पकड़ के बैठे हुए हैं, खड़े हैं, बल्कि जो भी कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, एक बात ये सामने आई है कि क्रिकेट पे भी बात हुई है, ये खबर चल रही है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये लिख रहा है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बैक ऑन टेबल ड्यूरिंग जयशंकर विजिट, बट दिस न्यूज इज डिक्लाइंड बाय इंडिया। उन्होंने कहा है, नो डिस्कशंस वर हेल्ड रिगार्डिंग द रिजम्पशन ऑफ बायलैटरल क्रिकेट टाइज बिटवीन द टू नेशंस डिस्पाइट स्पेकुलेशन इन द मीडिया। ये कहना है इंडिया का, इंडिया कह रहा है कि ये जो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये जो रूमर्स चल रही हैं और ये जो ट्वीट्स की जा रही हैं या जो भी बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जयशंकर और इसहाक डार के बीच क्रिकेट की रिजम्पशन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अब हम किसकी बात माने,